बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो ये रेसिपी बना रही हूँ, ये आप देख रहे हैं कि मैंने दूध चूल्हे पर रखा हुआ है पतीली में डालकर। आज मैं बना रही हूँ फालूदा। फालूदा जो सबकी ही पसंद का होता है, सबको ही पसंद आता है। तो फालूदे के लिए मैंने सबसे पहले ये दूध लिया 1.5 किलो, और इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे से पका रही हूँ मैं इसे, ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए, रबड़ी की तरह बन जाए जो हम फालूदे में इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए ये मैं दूध को थोड़ा खुश्क कर रही हूँ। ये काफ़ी हद तक तो इसमें खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी और ज़्यादा मुझे करना है। तो ये देखिए, मैं पका रही हूँ इसको, और ये तकरीबन आधा रह चुका है। तो अब इस वक्त मुझे ये 4 से 5 टेबल स्पून चीनी जो मैंने ली है, और ये मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि हमें इस रबड़ी को, इस दूध को थोड़ा सा मीठा भी करना है। एकदम फीका तो अच्छा नहीं लगेगा ये। तो बस ये डालकर भी मैं थोड़ा सा पकाती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें बादाम और पिस्ते कट करके डाल सकते हैं, और अगर ना चाहें तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए नहीं डालती कि मेरे बच्चे जब बादाम और पिस्ते मुँह में आते हैं तो वो कहते हैं कि सारा मज़ा ख़राब कर दिया अम्मी आपने। तो बस इसलिए मैं इसमें नहीं डालती हूँ पकते हुए। और अगर आप चाहें तो आप ज़रूर डालिएगा बादाम और पिस्ते बारीक कट करके। बस ये दूध थोड़ा सा पक जाए, मैं इसको उतारूँगी, और इंशाल्लाह उसके बाद जो फालूदे की सेवैयाँ बनती हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बनाकर बताऊँगी कि किस तरह से बनती हैं। बहुत आसानी से बन जाती हैं वो। ये देखें नाज़रीन, चीनी डालने के बाद भी मैंने इसे कुछ देर पकाया है, और ये अब इतना खुश्क हो चुका है कि हम इसका अब चूल्हा बंद कर देते हैं, और जो आगे मैं अब बनाऊंगी फालूदे की सेवैयाँ उसके लिए आपको बताती हूँ। तो बस ये मैं चूल्हा इसका बंद कर देती हूँ। ये देखें नाज़रीन, सेवैयाँ बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें सेवैयाँ बनाने के लिए इस तरह का सांचा चाहिए होगा, जो कि ये हम ये सेव जो बनाते हैं उसका सांचा है, जो कि मैं आज फालूदे की सेवैयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं आपको सेवैयाँ बनाने की तरकीब बताती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, सेवैयाँ बनाने के लिए मैंने ये पैन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, और इसमें मैं ये 2 कप पानी पहले शामिल करूँगी, और अब 1 कप और मैं पानी लूँगी। 2 कप पानी डालने के बाद ये 1 कप इसमें और मैं डालूँगी। ये टोटल 3 कप पानी हो चुका है, और ये याद रहे कि मैंने अभी चूल्हा ऑन नहीं किया है, चूल्हा अभी बंद ही है। और मैं ये सबसे पहले मैं इस ठंडे ही पानी में ये 2 टेबल स्पून चीनी ये डाल दूँगी, और 1 कप इसी नाप से मैंने पानी भी लिया है, और इसी नाप से मैं ये कॉर्नफ्लोर यानी अरारोट ये लूँगी, और इसको भी मैं इसी में पानी में शामिल कर दूँगी। लेकिन याद रहे कि अभी तक हमने चूल्हा ऑन नहीं किया है। पहले मैं इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से हल कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे अज्जा अच्छी तरह से इसमें ये कॉर्नफ्लोर चीनी हल कर लिए हैं, और अब मैं इसका चूल्हा ऑन करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, मैंने नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है, और इसकी आंच को मैंने दरमियाना ही रखा है। बहुत तेज़ आंच या बहुत स्लो आंच ना रखिएगा, और जब आप ये बनाएं सेवैयाँ उस वक्त बहुत तवज्जो से इनको पकाने की ज़रूरत होती है। ये जो हमने कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है ये फ़ौरन से जमना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे मुसलसल हिलाते हुए ही हमें पकाना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए नाज़रीन, बस इसे मुसलसल हिलाते ही रहना है, और जब तक हमें ये पकाना है उस वक्त तक जब तक इसमें जेल की तरह नज़र ना आने लगे ये।
ये देखें ये बनना शुरू हो गया है और बस इसे मुसलसल हिलाते हुए ही मुझे पकाना है। ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। इस वक्त मैंने आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया है और जब ये जेल की सूरत में आ जाएगा इंशाल्लाह उस वक्त ये तैयार होगा। ये आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी से इसको चलाया है। बस इसे थोड़ा सा और मुझे पकाना है। ये देख रहे हैं आप कि ये जेल की सूरत में आ चुका है बहुत अच्छा सा। बस इसका मैं चूल्हा बंद करके और इसको जिस तरह से मैं करूँगी आपको दिखाऊँगी। ये देखिए नाज़िन, ये इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और अब आप देखें कि मैं इसमें इसे डाल दूँगी सांचे में। और ये सांचा कुछ गर्म हो गया है तो इसलिए मैं कपड़े का इस्तेमाल करूँगी और इससे इसको पकड़ लूँगी। ये काम हमें बहुत तेज़ी से और फौरन फौरन ही करना है क्योंकि अगर ये आमेज़ा ठंडा हो गया तो ये बिल्कुल जम जाएगा। बस इसे मैं अभी इतना ही भरती हूँ और दूसरी बार और इसके बना लूँगी। ये देखें नाज़िन, माशाल्लाह हमारी ये सेवैयाँ तैयार हैं। सेवैयों को बनाने के बाद मैंने 20 मिनट तक इनमें हाथ नहीं लगाया था क्योंकि उससे ये टूट जाती। और अब मैं फालूदा बनाती हूँ। इसके लिए ये मैंने सारे अज्जा फालूदे के ले लिए हैं। इसमें जेली है और ये तुक मलंगा जो मैंने तैयार किया था थोड़े से पानी में 2 चम्मच डालकर, और ये रूह अज्जा आइसक्रीम। और बस हम इसको अब गिलासों में डालते हैं। फालूदा बनाने के लिए मैंने ये 2 गिलासेस ली हैं। अच्छा, फालूदा बनाने के लिए कोई रूल्स नहीं है कि इसमें पहले ये चीज़ डालेंगे हम या ये चीज़ डालेंगे। आपको जो पसंद हो और जिस तरह से आप बनाना चाहें। ये देखें, मैंने गिलासों में पहले ये फालूदे वाली सेवैयाँ ली हैं और इनको डाल दूंगी। अब आप चाहें जो चीज़ भी डालना। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले क्या डालूं। तो ये मैं 2 गिलासेस तैयार कर रही हूँ, एक अपने लिए और अपनी कैमरामैन के लिए। बच्चे अपनी गिलासेस खुद बनाएंगे। तो ये देखें, मैंने सबसे पहले इसमें रूह अफ़ज़ा का डाल दिया है और अब मैं इसमें ये तुक मलंगा ये डाल दूँगी, जितना आपको पसंद हो, जितना आपको चाहिए। और ये जो मैंने आपके सामने दूध बनाया था इसकी रबड़ी, ये अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी थोड़ी सी। और ये देखें आप, कितना गाढ़ा हो गया है ये। और अब मैं ये पहले हरे कलर की जेली डाल देती हूँ 2 गिलासेस में। और अब ये लाल कलर की जेली ये डाल दूँगी। और ये रेड कलर की जेली, जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। अब मैं ये थोड़ी थोड़ी सेवैयाँ
ये देखिए नाज़रीन, अब मैं क्या डालूँ मेरी नहीं समझ में आ रहा है, जिस तरह आपको बनाना हो आप बनाएं। ये देखिए नाज़रीन, अब मैं इसमें ये आइसक्रीम के क्यूब्स डाल दूँगी। आइसक्रीम जो भी आप फ्लेवर की लेना चाहें ले सकते हैं, चाहे तो स्ट्रॉबेरी, वनीला। मैंने ये यहाँ पर ये कुल्फ़ा लिया है और कुल्फ़ा मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें आप। और बस ये माशाल्लाह तैयार है हमारा। ये थोड़ी सी मैं इस पर जेली लगाऊंगी खूबसूरती के लिए। अब मैं आखिरी में इस पर ये बादाम, ये पिस्ते और ये बादाम, और बस इसी तरह से इस पर भी मैं ये थोड़े थोड़े डाल दूँगी। और चाहें आप तो किशमिश भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये किशमिश भी लिए हैं। ये देखिए नाज़रीन कैसे लग रहे हैं आपको ये फालूदे के ग्लासेस। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी, आज ये जो मैंने बनाया है फालूदा, ये बिल्कुल तैयार है। आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।